लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नॉर्मल है। सो भारत समझता है कि दिस इज अ राइट टाइम टू आइसोलेट पाकिस्तान। भारत समझता है दिस इज अ राइट टाइम कि आप पाकिस्तान को जो है ना वो एक लड़ो मत, लेकिन उनके लिए मिसाइल जो है उनके लिए उनको सोल्यूशन भी ना दो। मिसाइल अगर नहीं पैदा करें लेकिन सोल्यूशन भी ना दो, तो दैट इज अ वन वे टू क्रिएट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। इस सारी ये आई एम गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से, मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। सो कीपिंग इन दैट माइंड एंड लुकिंग इंडिया माइंड सेट, क्योंकि आप बड़े अच्छे से समझते हैं, what do you think, what are the prospects of the peace between both the countries and for the region as well? चीमा साहब, तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये चीमा साहब कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करा, पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट करा, इंडिया ने उसका फायदा उठाया। इंडिया टुक एडवांटेज, पाकिस्तान आइसोलेटेड इटसेल्फ। बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब से अगर आप सऊदी अरब की बात नहीं मानेंगे और सऊदी अरब पे आप डिपेंडेंट हैं, या सीपैक, मैं पाकिस्तान के नज़रिए से बोल रहा हूँ, अगर आप सीपैक पे बोलेंगे कि साहब सीपैक ठीक नहीं है और उसका ज़रा इंक्वायरी कराओ क्या है भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ठीक बात है होना चाहिए, लेकिन आप इतनी ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं, फिर आप अमेरिका को ये बोलेंगे कि जब अमेरिका ने कितना 35-38 बिलियन डॉलर, ट्रंप साहब का एक ट्वीट भी है बड़ा मशहूर ट्वीट जो 1 जनवरी को उन्होंने करा था, तो लोग ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान में एक ये है कि सब, मैं आपको बताता हूँ इसमें थिंकिंग, और मैंने दोनों तरफ के लोगों से बात करके, हो सकता है कि जो ये लोग बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों ने बात करी है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी थिंकिंग, और जो अमेरिकन ने बात करी है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन थिंकिंग, ये भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों का अक्सर ये कहना है कि अमेरिका ने हमारे साथ हर समय ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखी और जब उनका काम खत्म हो गया तो अमेरिका हाथ झाड़ के चला गया। कई अमेरिकन हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पार्टी का ऐसी थिंकिंग है, पर मैं कह रहा हूं कई अमेरिकन ऐसा सोचते हैं कि भाई जब हमने आपको काम बोला तो आपने बोला इतने पैसे दे दो, हमने आपको पैसे दे दिए, काम खत्म हो गया, कौन सी रिश्तेदारी, फिर कौन सी दोस्ती, यारियां पैसे से नहीं होती, फिर या तो हमारे थॉट्स मिलते हो, हमारी फिलोसफीज मिलती हो, हमारा अलाइनमेंट हो आइडियोलॉजी का, तब बात बनती है। तो जैसे कि जब फर्स्ट अफगान जिहाद की हम बात करते हैं 79-89 के बीच में, राइट, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि उसकी वजह से कोकेन और हेरोइन और कलिशनकोफ का कल्चर पाकिस्तान में आया, ठीक है, उसमें एक बड़ी मशहूर किताब है द बेयर ट्रैप, वो पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर साहब ने लिखी है, ही वाज आई थिंक नंबर 3 और नंबर 2 इन द आईएसआई एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो भी थे वो ब्रिगेडियर साहब, ही यूज्ड टू वर्क डायरेक्टली विद जनरल हमीद गुल के साथ काम करते थे वो डायरेक्टली, उन्होंने किताब में तफसील से लिखा है, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने बड़ा तफसील से लिखा है कि साहब ये हुआ था, हमें इतने पैसे मिले, इतने हथियार मिले। तो अमेरिकन का भी ये सोचना है कि साहब आपने बोला ये काम के इतने पैसे लगेंगे, हमने आपको उतने पैसे दे दिए, आपने काम हमारा कर दिया, सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, कहानी खत्म, अब इसमें रिश्तेदारी कहां से आ गई, राइट। उसी तरीके से चीमा साहब ऐसा है कि कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया का ये फैक्टर है कि इंडिया जो अपनी जगह बना रहा है चीमा साहब दुनिया में ना, इंडिया की आप कभी भी देखिएगा, अभी आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस इंडिया की बड़ी फास्ट है, पर अगर आप आज से 2 दिहाई या दशक पहले आप देखें तो आपको लगेगा था इंडिया की प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे 2.5% साल की ग्रोथ, इट वॉज कॉल्ड डेरोगेटिवली, इट वॉज कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और ये मैंने कई बार पढ़ा है इकोनॉमिक बुक्स में और मैगजीन्स में, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। बात यह है कि इंडिया ने धीरे धीरे धीरे, और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इंडिया में लिबरलाइजेशन, और इंडिया ने उस चीज पे बिल्डअप करा। मोदी जी ने क्या करा है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि 2014 में उन्होंने इनवाइट करा, फिर मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डिप्लोमेसी में स्टेरॉइड्स डाल दिए, उन्होंने ये करा, जो स्पीड पहले 50 की चल रही थी वो 200 की चल रही है, फर्क सिर्फ इतना है, ही इज जस्ट एबल टू डू द सेम थिंग मच बेटर, मच फास्टर, विथ मोर कॉन्क्रीट डिलीवरी, और कुछ इनोवेशन भी है, कुछ प्लानिंग भी है, जैसे उज्ज्वला योजना है या फिर स्किल इंडिया है, ये काफी सारी चीजें भारत के लिए लाएं। अब मैं आता हूं आपके उस क्वेश्चन पे, जब आपने बोला कि साहब एक बार वो आ गए तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट, देखिए मैं आपको बताता हूं, जब इमरान खान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक 370-375 से भारत वापस नहीं लेता, और एक बार कमेंट करा, और फिर वही शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी यही बात बोली कि हम बात नहीं करेंगे, इंडिया में काफी लोग हैं जो इससे बड़े खुश हो गए,
क्योंकि इंडिया में एक खास तबका है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो चाहता है कि ये चले, आप मत बात करें। और जो तरड़ साहब ने बात बोली, तरड़ साहब ने गलत बात नहीं बोली, ही वाज राइट ऑन द बटन। बात यही है जो तरड़ साहब कह रहे हैं, व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे लोग ऐसे कई सारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया फील्स की व्हाट कैन पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल। ये भी बात ठीक है कि जो तारर साहब ने बोली थी कि अ प्रॉस्परस एंड स्टेबल नेबर इज इन एनी कंट्रीज, व्हाई टॉक अबाउट इंडिया, इट इज चाइना के इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में, अमेरिका के इंटरेस्ट में। अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, मेक्सिको में जो ड्रग वॉर्स होते रहते हैं, अमेरिकन बेचारे परेशान हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तभी तो बोला था मैं वॉल बनवाऊंगा, क्यों? वो ठीक है, वो एक तरीका था उनका, लहजा था बोलने का, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परेशान थे। डोनाल्ड ट्रंप वॉज अपसेट एज प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की बॉस, आज हमारे हजारों बच्चे मर रहे हैं हर साल ड्रग्स। सो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान टू मेक्सिको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट अगर मेक्सिको भी अगर इकोनॉमिकली स्टेबल होता, पॉलिटिकली स्टेबल होता, ड्रग्स की ग्रोथ वहां पे नहीं होती, अमेरिका खुश रहता। फिर ट्रंप साहब ये बात ही नहीं करते कि मैंने वॉल बनानी है, ट्रंप साहब कभी जबान पे ये बात नहीं लाते, उनको प्रॉब्लम थी, अमेरिका को प्रॉब्लम थी, इसलिए ट्रंप साहब ने बात करी, सिंपल सी बात है। तो आई अग्री विद दिस, लेकिन इसकी जो चीमा साहब द ट्रूथ इज, यस आई अग्री दैट देयर शुड बी, हम लोग बात करें, स्टेबल हो चीजें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में अब इसके लिए एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गई है। चीमा साहब जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां, किसी उनके उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे, और वो गए थे लोग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी, मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। आप समझिए, आप उनको एज अ सियासतदान मत लीजिए, आप पॉलिटिशियन मत लीजिए। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे साइकिल में पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे, जब उन्होंने मीनार ए पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था, यहां पर अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीन हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में, उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान, इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं, विदाउट एनी प्लान, बंदा लैंड, वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता, बंदा पहुंच गया घर पे, एंड ही सेड उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े वापस आ गए। he has put his entire career on the table for good relations with Pakistan. It is not a simple visit, Chima sahab. Isko simple visit mat lijiyega. Isme bahut kuch. Aap ye samajh lijiye ki agar koi, main aapko ek example deta hu Pakistan ka. Aapka koi hardline Muslim leader hai, religious party ka, jo ki thumping majority se aa jata hai, jis pe log andha vishwas karte hain, theek hai? Aur ek din usko Naftali Bennett call karta hai, aur kehta hai ki ji aap aa jao, chai peeni hai, Tel Aviv aa jao. Aur wo kehta hai, theek hai bhai, तूने बुलाया मैं आ गया, आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है। बट ही डिड दैट, और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया पर्सनली।